आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूं आपके साथ छवि वर्मा। कुशीनगर में ग्राम बुगल हवा के एक खेत में बड़ी चिप और कोडिंग के साथ लगा हुआ एक गिद्ध मिला, जिससे वहां के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिससे सूचना पर पहुंचे एसओ अरविंद कुमार ने अपनी टीम के साथ गिद्ध को अपने कब्जे में लेकर वन विभाग को सौंप दिया है, जिसकी जांच कर वन विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गिद्ध को संरक्षण केंद्र द्वारा संरक्षित करते हुए टैग व जीपीएस लगाकर छोड़ा गया है, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके, उनकी प्रजातियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके। इसका संबंध किसी जासूसी या संदिग्ध कार्रवाई से नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कुशीनगर के बरवापट्टी थाने के बकुलहवा गांव में गन्ने के खेत में कोडिंग के साथ एक बड़ा चिप लगा हुआ गिद्ध मिला। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। वहीं सूचना पर एसओ अरविंद कुमार भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आते ही गिद्ध को कब्जे में लेकर वन विभाग को सौंप दिया। तमकोही रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी के अनुसार यह पक्षी गिद्ध है, जिस पर किसी शोध संस्था ने अपना कोडिंग और लोकेशन ट्रेस करने के लिए चिप लगा रखा है। उन्होंने कहा कि प्रायः विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों के लिए उसके अस्तित्व को जानने के उद्देश्य से टैगिंग किया जाता है, लेकिन अभी काफी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए डीएफओ कुशीनगर को अवगत कराया गया है। पक्षी को भूखा देख उसके लिए मांसाहारी भोजन का प्रबंध किया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि ग्राम खानगी टोला बकुलहवा थाना बरवा पट्टी में एक गिद्ध पक्षी जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे ग्रामीणों के द्वारा पकड़कर वन विभाग रेंज दुधई को दिया गया। गिद्ध के दोनों पंख पर टैग C3 पीले रंग के व GPS टैगर लगा हुआ था। गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से संबंधित है। इस गिद्ध को प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र द्वारा संरक्षित करते हुए टैग व GPS लगाकर छोड़ा गया है। GPS ट्रैकर के माध्यम से उसकी लोकेशन व गतिविधियों की जानकारी कर डेटा तैयार किया जाता है। इसका संबंध किसी जासूसी या किसी संदिग्ध कार्रवाई से संबंधित नहीं है। कुशीनगर से वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।